अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ अब्दुल रज़ाक टेक्निकल फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 में ऑल्टरनेट मूवमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट को स्टार्ट किया हुआ था। हमने आरसी सीरीज सर्किट को पढ़ा था, उसके पैटर्न को पढ़ रहे थे, हमने आरएल सीरीज सर्किट को भी पढ़ना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे लेते हैं, और इंट्रोडक्शन देने के बाद डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन जिसमें केस स्टडी टाइप की चीजें लिखेंगे और साथ साथ बना लेंगे डायग्राम। डायग्राम में आपने क्या शो करना है, आपने शो करना है कि यहाँ पे एसी की जगह के ऊपर आपने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, और उसके साथ यहाँ पे इस जगह के ऊपर आपने एक रेजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है, और उसके साथ आपने सीरीज में लगाया हुआ है किसी इंडक्टर को। अब सर्किट करंट्स को मेजर करने के लिए आप यहाँ पे एक एसी एमीटर भी लगा सकते हो, जो कि आपको कौन सी वैल्यू देगा, जो कि आपको आईआरएमएस की वैल्यू देगा, ठीक है जी। आईआरएमएस की वैल्यू को मेजर करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई एसी एमीटर भी लगा सकते हो। यहाँ पे जो सर्किट वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो है बीआरएमएस, जो कि इन दोनों के अक्रॉस, दोनों के एंड के अक्रॉस अपेयर हो रहा है कंबाइंड, ठीक है। तो वो दोनों के एंड के अक्रॉस कंबाइंड जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो क्या है, वो है बीआरएमएस। और इसके अलावा यहाँ पे जो करंट प्रोवाइड हो रहा है टू वे करंट, वो है आई आर एम एस, जो ऑब्वियसली यहाँ पे इससे मेजर होगा। और सारी बात है सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यही जो हमारे पास आई आर एम एस है, इसने आई आर के इक्वल भी होना है और इसी ने आई एल के इक्वल भी होना है, दैट मीन्स इंडक्टर और रेजिस्टर से दोनों से इसी करंट में गुजरना है। और इसके अलावा यहाँ पे इस जगह के ऊपर अगर मैं कोई वोल्टमीटर लगाऊंगा तो वो जो वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करेगा, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, वो वी आर होंगे, क्योंकि रेजिस्टर के क्रॉस अपेयर हो रहे हैं, इसलिए हमने उनको वी आर का नाम दिया। और इंडक्टर के क्रॉस लगाया गया एसी वोल्टमीटर जो वोल्टेजेस को मेजर करेगा, तो कौन से वोल्टेजेस होंगे, वो होंगे वी एल वोल्टेजेस अपीयरिंग अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ एन इंडक्टर, ठीक है। सो ये हमने बात कर ली है। तो इस तरीके से मुख्य डिवाइडर जो कि यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे करंट पासेज को चेक करने के लिए इस जगह के ऊपर हमने एक बल्ब अटैच किया हुआ जो कि ग्लो करके हमें ये बताता है कि करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा। इस सारे डिस्कशन के बाद अब हमने अगली जो चीज करनी है वो है मैथमेटिकल डिस्कशन। और हमने कहना कि चूंकि हमारे पास आई की वैल्यू वी ओवर आर के इक्वल होती है, और अगर रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम हो, तो फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी ओवर 1 ओम हो जाता है, दैट मीन्स आई और वी की पीक वैल्यू बराबर हो जाती है। तो अब अगर हमारे पास यहाँ पे वी की जो वैल्यू है वो वी नॉट साइन थीटा होती है, तो I की वैल्यू भी V नॉट साइन थीटा ही होती है। I की वैल्यू क्या होती है, वो होती है V नॉट साइन थीटा ओवर 1 ओम। पर आपको पता है कि यहाँ पे इस वाली वैल्यू V नॉट ओवर 1 ओम को मिला के आप क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं I नॉट। तो भाई करंट और वोल्टेज दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही साइन थीटा को फॉलो करते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, तो किस तरह से बनेगा कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर मैं टाइम या फिर थीटा की वैल्यू को लिखूं, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई वोल्टेज की वैल्यू को लिखूं, तो ये क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा कि ये हमारे पास वोल्टेज की साइन वेव है, ठीक है। ये इस जगह के ऊपर पीक वैल्यू है, ये जो है ये वैल्यू कौन सी है, ये है वी नॉट। और इस तरीके से जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो क्या है, वो है माइनस वी नॉट। लेकिन चूंकि हमारे पास वोल्टेज साइन थीटा का फंक्शन है, तो करंट भी साइन थीटा का फंक्शन है, इसलिए करंट की लाइन में भी सेम इसी लाइन के ऊपर आना है। जो डॉटेड लाइन है ये करंट की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, ये आई नॉट की वैल्यू है, सेम उसी लेवल के ऊपर है, सिर्फ डॉटेड इस तरह से शो कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इस तरह के ऊपर अलग अलग से दो लाइन शो हो जाएं। अब ये बात याद रखिएगा कि अगर ये रेजिस्टेंस 2 ओम होती तो फिर करंट की वैल्यू वोल्टेज से हाफ हो जाती, फिर यहाँ पे जो करंट की पीक वैल्यू वो इस जगह पे आने के बजाय यहाँ तक आती मिड तक। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस हाफ ओम होती तो फिर करंट की वैल्यू वोल्टेज से भी ज्यादा हो जाती और ऊपर की तरफ आती। अब मैं इस पॉइंट नंबर अगर 1 की बात करूँ, तो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर अगर मैं फेज रिलेशन बनाऊँ, तो फेज रिलेशन इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे अपेयर होने वाला जो वोल्टेज है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, जिसे मैंने वी आर का नाम दिया है, ठीक है। ये मैं लाइन आगे भी यही रखने की, इतनी ही लेंथ ही रखने की कोशिश करूंगा कि ये हमारे पास वी आर की वैल्यू है, तो आई आर की वैल्यू भी सेम उसी डायरेक्शन में, अगर रेजिस्टेंस 1 ओम है तो यहाँ पे आई आर और वी आर की जो लेंथ है वो भी बराबर होंगी। तो भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपेयर होने वाले वोल्टेजेस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेजेस वी आर और करंट आई आर की यहाँ पे मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी है। अब बारी है यहाँ पे आगे आने वाले वोल्टेजेस की, जो कौन से वोल्टेजेस हैं, जो कि इंडक्टर के वोल्टेजेस हैं। तो भाई इंडक्टर के लिए रिलेशन क्या होता है, वो होता है सारी बात है ई एल इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। और जिस तरीके से हमने कहा था कि जो V
PL है वो माइनस PL के इक्वल होगा, दैट मींस PL जो है वो L डेल्टा ओवर डेल्टा T के इक्वल होगा। तो आपको ये बात पता है कि जो ये वाली वैल्यू है ये हमेशा ही लैग करती है, और जो ये वाली वैल्यू है ये हमेशा ही क्या करती है, ये हमेशा ही लीड करती है, ये हमेशा ही क्या करती है, हमेशा ही लीड करती है। तो अब यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि अगर इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी हुई तो हमारे पास VL की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1 हेनरी इनटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो भाई यहाँ पे इस जगह के ऊपर इसकी स्लोप आपको VL की रिप्रेजेंटेशन देगी। तो अगर ये बात है कि मुझे सबसे पहले ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन VL इस चीज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ जिसमें पहले मैंने क्या बनाना है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम को बनाना है या फिर थीटा को बनाना है, क्योंकि जारी बात है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो जारी बात है कि जो टाइम बढ़ा तो ओमेगा की थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। और पहले मुझे करंट का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट को शो कर लेता हूँ, और करंट के लिए जो साइन वेव बनाता हूँ, करंट के लिए साइन वेव इस तरह से आएगी। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू है, ये क्या है, ये है आई एल की वैल्यू। और जारी बात है कि यहाँ पे इतनी पीक वैल्यू वोल्टेज की दी जानी है, और क्योंकि यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है तो वोल्टेज ने इस जगह के ऊपर आना है, यहाँ पे स्लोप जीरो है तो वोल्टेज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी नेगेटिव मैक्सिमम होगा, स्लोप जीरो है तो वोल्टेज जीरो होगा, और इसके अलावा यहाँ पे इस जगह के ऊपर अगेन ये वाली वैल्यूज इस तरह से बनेगी। तो चूंकि 1 हेनरी हमने इंडक्टेंस रखी है तो वोल्टेज और करंट के लेवल जो पीक वैल्यूज है वो कोइंसाइड करेंगी, तो ये VL है। अब अगर मैं पॉइंट नंबर 1 के लिए फेज रिलेशन बनाऊँ तो आप लोग देख सकते हो कि करंट कहाँ पे है, करंट है इस जगह के ऊपर, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है IL की, और ये वैल्यू की डायरेक्शन वही है जो कि IR की डायरेक्शन है या फिर VR की डायरेक्शन है। और इसके अलावा जो वोल्टेज है वो चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर मौजूद है, तो उन वोल्टेजेस को मुझे यहाँ पे इस तरह से बनाना पड़ेगा, ये वोल्टेजेस कौन से हैं, ये हैं VL वोल्टेजेस। सारी बात है कि यहाँ पे VL के तरफ आने की वजह क्या है कि रिएक्टेंस जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो इस डायरेक्शन में आ रही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों को इकट्ठे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने से क्या होगा, ठीक है, अब मैं बात किसकी करने लगा हूँ, अब मैं बात करने लगा हूँ कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, कॉम्बिनेशन के अंदर हम दोनों चीजों को इकट्ठा ऑन करेंगे, दैट मीन सर्किट में लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह का रिलेशन बनता है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग क्या शो करोगे, इस तरह से ऊपर शो करोगे सर्किट के रूट मीन स्क्वायर करंट्स को, ये लाइन एन किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है सर्किट के रूट मीन स्क्वायर करंट्स को, आई आर एम एस को, आई आर को, आई एल को, ठीक है, तीनों चीजों को शो कर रही है। इसके अलावा वोल्टेजेस वी आर भी इस तरफ है, क्यू इस तरफ है, क्योंकि रेजिस्टेंस आर की वैल्यू इस तरफ है। और उसके बाद अगर मैं इस तरह शो करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा यहाँ पे होगी ये VL की वैल्यू, और VL की वैल्यू इस तरफ होने की वजह क्या है, वो है XL का इस तरफ का होना, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बात कर देनी है कि हमारे पास जो रेजिस्टर है उसके अंदर करंट और वोल्टेजेस लीड करते हैं, सॉरी इन फेज है, जबकि जो इंडक्टर में एक लीडिंग वोल्टेज गुजरता है और लैगिंग करंट गुजर रहा होता है, ठीक है जी, ये बात कर दी है। अब उसके बाद हमने सिर्फ वी आर और वी एल की बात करनी है। तो अगर मैं वी आर और वी एल का सम निकालूं तो आपको पता है कि जब नेट रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज सर्किट के अंदर अपेयर हो रहे हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, वो वी आर और वी एल दोनों के वेक्टर सम के इक्वल आएंगी। और जारी बात है कि ये वेक्टर फॉर्म में जो डायरेक्शन है वो सिर्फ इसकी है, वरना वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी होती है, वरना वोल्टेज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो भाई यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये आ रही है वी आर की वैल्यू, ये क्या आ रही है, ये आ रही है वी आर की वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है वी एल की वैल्यू। तो जारी बात है दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके टेल्स के दरमियान में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर आपने ऐड करना तो ऐड करने के लिए आप इस तरीके से जगह के ऊपर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज वी आर एम एस फाइंड आउट कर सकते हैं, वेक्टर साइंस डाल भी सकते हैं ना भी डालें, लेकिन बुक ने जो कि नहीं डाले इसलिए आप यहाँ पे इस जगह के ऊपर ना डालिए। और जारी बात है आपने एक बात नोटिस करनी है कि यहाँ पे आई आर एम एस भी इस तरफ है, तो जो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा आएगा ना, ये वाला एंगल थीटा वी आर एम एस और आई आर एम एस के दरमियान बनने वाला एंगल भी होगा, ये वी आर एम एस और आई आर एम एस के दरमियान बनने वाला एंगल भी होगा। और चूंकि वेक्टर फॉर्म है तो आपको पता है आप पाइथागोरियन थ्योरम भी लगा सकते हैं, इधर लिख सकते हैं वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप एक साइड का अंडर रूट भी ले सकते हैं, अच्छा जी ये बन जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर का अंडर रूट, इक्वेशन नंबर 3। ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई एल इंटू एक्स एल का होल स्क्वायर,
अंडर रूट, ठीक है। या फिर जो है आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, वो ये है चूंकि हमारे पास जो एक्सएल है वो 2πfL के इक्वल होता है, तो ये अगर पुट कर देंगे तो VRMS क्या बनेगा, वो बनेगा आई आर इंटू आर होल स्क्वायर प्लस 2πfL इंटू IL होल स्क्वायर, ठीक है। अब जारी बात है यहाँ पे आप ब्रैकेट्स खोल देंगे तो और फॉर्म्स बन जाएगी, करंट्स कॉमन निकालेंगे तो और फॉर्म्स बन जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है, इसे 4 कहिए, ये इक्वेशन 5 है। तो अब इक्वेशन 4 से मैं मजीद आगे चलूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये बन जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस, कॉमन निकल आएगा क्योंकि जारी बात है कि वो आई आर एम एस क्या है, ये आई आर और आई एल इक्वल है, रोटरी स्केयर करंट्स हैं। यहाँ बच जाएगा आर स्केयर प्लस एक्स एल स्केयर का इस पूरी टर्म का अंडर रूट, ये टर्म अंडर रूट से बाहर आएगी और क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्स एल का स्केयर। या फिर वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्सएल स्केयर का अंडर रूट। तो जारी बात है आप जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की है वो है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट जेड, तो यहाँ पे आप इंपीडेंस के लिए जेड लिख लीजिए और इक्वेशन बन जाएगी जेड इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्सएल स्केयर अंडर रूट, इक्वेशन नंबर 6। और एक्सएल की जगह पे अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो ये बनेगा आर स्केयर प्लस 2π fl होल स्केयर का अंडर रूट। ब्रैकेट्स अगर खोले स्केयर को खोल लें, स्केयर को सॉल्व कर लें, सारी बात और फॉर्म्स भी हासिल की जा सकती है, लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि एक्सएल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। फर्दर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सिक्स से क्या बन रहा है, वो बन जाएगा आर जेड स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्सएल स्केयर इक्वेशन नंबर 8। या फिर इन वेक्टर फॉर्म, भाई वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म ये होगी कि हमारे पास इस जगह के ऊपर जेड वेक्टर आर वेक्टर प्लस एक्स सी वेक्टर के सम के जरिए से आएगा। और जारी बात है कि यहाँ पे भी डायरेक्शन स्पेसिस की हैं, रूट मीन स्क्वायर क्वांटिटीज ऑफ वोल्टेजेस की, तो बाकी जो है जेड और आर और एक्सएल ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। और जारी बात है कि अगर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो इधर लिख दूंगा कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये हमारी रिएक्टेंस की वैल्यू है, और ये क्या है, ये हमारी इंपीडेंस स्ट्रक्चर की वैल्यू। तो सारी बात है यहाँ पे भी एंगल थीटा उतना ही बनेगा जितना वी आर एम एस और आई आर एम एस के दरमियान में बन रहा है, इस डायग्राम में बनने वाला एंगल, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट बात करते हैं तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की हेडिंग डाल देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो होती है। इस हिसाब से जो एक्सएल है वो क्या होती है, वो 2πfL होती है और उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जो हमारे पास VL की वैल्यू है, VL की वैल्यू क्या है, वो है IL into XL, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी। तो भाई अगर ये प्योर इंडक्टर है, इसकी अपनी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसने डीसी को अपोज नहीं करना, किसी बड़ी आराम से इसमें नहीं उतर सकता है। फिर ऑपोजिशन कौन करेगा, फिर रेजिस्टर ऑपोजिशन करेगा, और रेजिस्टर के ऑपोजिशन करने में प्रॉब्लम ये है कि वो भी टफ होता है और उसका बिल आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है पावर फैक्टर 1 होना चाहिए और पावर मैक्सिमम डिसिपेट होनी चाहिए यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर स्केयर प्लस वी एल स्केयर का अंडर रूट, उसमें ये टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जीरो स्केयर। तो भाई वी आर एम एस किसके को आएगा, वो वी आर के को आएगा, वी आर एम एस वी आर के को आएगा। तो भाई हमारे पास डायग्राम किस तरह से बनेगी कि इस जगह के ऊपर ये हमारे पास वी आर की वैल्यू है, वी एल की वैल्यू कितनी है, वो जीरो है, और इस हिसाब से जो हमारे पास वी आर एम एस की वैल्यू है वो सिर्फ एक ही वेक्टर वी आर के बराबर है, तो ये बात बन जाएगी। और चूंकि हमने इंपीडेंस की बात भी करनी है तो यहाँ पे अगर ये आर है तो उसकी लेंथ आर को शो कर रही है, एक्सएल जीरो है और जो इंपीडेंस है वो भी इसी एक ही टर्म के इक्वल है। तो ये हमने इसकी बात कर ली है, इंपीडेंस के लिए रिलेशन लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जेड इज इक्वल टू आर स्केयर, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो होने की वजह से जीरो स्केयर,
रिजल्ट किसके कुल आएगा, वो आर के कुल आ जाएगा। तो ये हमने रूट मीन स्क्वेयर वोल्टेज की भी बात कर ली है और करंट की बात कर ली। अब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले पावर फैक्टर की बात कर लूँ। अभी हमारे पास फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस थीटा कितना है, वो है 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर कितना आएगा, पावर फैक्टर आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0 डिग्री, वो क्या होगा, वो होगा 1। इस हिसाब से हमारे पास जो रिलेशन है P is equal to average power, P is equal to VRMS into IRMS into cos of theta, वो किसके कुल आ जाएगा, वो आ जाएगा VRMS into IRMS के। और अगर आपको पावर सप्लाई के करंट्स और वोल्टेजेस के बजाय आपको करंट्स और इंपीडेंस गिवन है, तो IRMS square Z cos of theta बनेगा, इसका आंसर IRMS square into Z के कुल आ जाएगा। और अगर आपको वोल्टेजेस और रेजिस्टेंस या इंपीडेंस गिवन है, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा VRMS square over Z। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को मिला के मैं क्या कहूंगा, इन तीनों इक्वेशन को मिला के मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 10। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, इक्वेशन नंबर 10 है। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी हाई करते करते कहाँ पे चले जाते हैं, उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो जाए। जारी बात है, फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉर्मूले की डिपेंडेंस तो देख ही सकते हैं। ठीक है भाई, 80 अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो नियरली इक्वल टू इंफिनिटी है। इस हिसाब से जो एक्सएल है 2πfL, वो भी इक्वल टू नियरली इक्वल टू इंफिनिटी बन जाएगा। और जो VL की वैल्यू है RL इनटू XL, वो भी नियरली इक्वल टू इंफिनिटी बन जाएगी। तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि यहाँ पे अब मैं बॉक्स के अंदर बना रहा हूँ, क्योंकि जारी बात है इन्फिनिट लाइन नहीं मैं बना सकता। तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैं इस जगह के ऊपर ये शो करता हूँ कि ये वाली लाइन किसको शो कर रही है, ये वाली लाइन VR को शो कर रही है। और जब फ्रीक्वेंसी जीरो थी तो VRMS भी इसके बराबर ही आ रहा था, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हुई तो यहाँ पे VL की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई वैसे वैसे VL की वैल्यू भी बढ़ती गई, और अब फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी हो गई है तो VL भी इंफिनिटी हो गया। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी रिजल्टेंट VRMS का एंगल, अब जब VL इंफिनिटी हुआ तो VRMS भी क्या हो गया, वो भी यहाँ पे ऊपर जाते हुए किस जगह तक पहुंच चुका है, वो भी ऊपर जाते हुए इंफिनिटी तक पहुंच चुका है। तो ये VRMS है, और जारी बात है इस डायरेक्शन में ये IRMS था, तो अब के बाद हमारे पास एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री। तो कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है 90 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना आ रहा है 90 डिग्री। और जारी बात है किसी भी ट्राइंगल के अंदर आप परपेंडिकुलर ओवर बेस करके इसके जो ये वाला एंगल है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस कर लूँ तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। कोई काम उस वाले डायग्राम के साथ करूंगा। तो इस हिसाब से अगर मैं थीटा निकालूं टेंजेंट इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस पे, तो परपेंडिकुलर पे VL है और बेस पे VR है। फर्दर ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ VL की जगह पे IL XL, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे IR into R। तो भाई ये टर्म्स कट जाएंगी, तो थीटा क्या आएगा, वो आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ XL ओवर R। और XL की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2πfL ओवर R। ये इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर 11 है। इसी फॉर्मूले को टेंजेंट इनवर्स ऑफ जीरो कितना आता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ जीरो जीरो ही आता है, लेकिन अब मैं फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और वो कितना आता है, वो 90 डिग्री आता है। तो सारी बात है कि आप फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो पहले आप यहाँ पे इसको ऐड कीजिए वोल्टेज को, या आप ऐड कीजिए रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस को। तो भाई अगर आप रेजिस्टेंस को यहाँ पे बनाए इस तरफ, तो ये रेजिस्टेंस है, तो अब आपकी जो ये वाली रिएक्टेंस है ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा चुकी है, इन्फिनिटी तक जा चुकी है। तो जारी बात है फिर सर्किट में जो इंपीडेंस में आना है उसने भी किस तरफ आना है, उसने भी इस तरफ आना है कि वो यहाँ पे 90 डिग्री बना रही होगी। कितना एंगल बना रही होगी, तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर 90 डिग्री बना रही होगी। तो ये हमने बात कर ली है। अब उसके हिसाब से हमारे पास जो फेज डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस एंगल निकाल चुके हैं, यहाँ पे हेडिंग देनी चाहिए थी इसके ऊपर, इस जगह के ऊपर हेडिंग दे रहा हूँ। तो ये क्या है, ये है फेज डिफरेंस। और अब बारी है पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर होगा कॉस थीटा, दैट मींस कॉस ऑफ, वो कितना होगा, वो होगा जीरो।
तो भाई जब पावर फैक्टर जीरो होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जितने रिलेशन है कि एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर जेड इंटू कॉज ऑफ थीटा या फिर वी आर एम एस स्क्वायर ओवर जेड इंटू कॉज ऑफ थीटा, ये तमाम चीजें किसके कुल होती हैं, तमाम चीजें जीरो के कुल होती हैं। तो इसका मतलब है कि एवरेज पावर डिसिपेटेड इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगी, जीरो होगी। तो भाई आप किसी आर एल सर्किट सीरीज सर्किट के अंदर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पावर फैक्टर कम होता जाएगा और इन्फिनिटी को अप्रोच करते हुए फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो भाई अगर आपने किसी ऐसे सर्किट में डीसी अप्लाई किया तो फिर पावर डिसिपेट करनी है रेजिस्टर में और इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में कोई पावर डिसिपेट नहीं करनी। अगर इंडक्टर की भी अपनी रेजिस्टेंस है तो आपको इस रेजिस्टेंस में ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, लीनियरली ऐड करो जैसे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड होती है। लेकिन अगर प्योर इंडक्टर है तो फिर भाई सिर्फ रेजिस्टेंस ही पावर डिसिपेट करेगी डीसी के लिए, लेकिन एसी में जो है वो इसकी ऑपोजिशन भी आएगी। एसी की फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी इसकी ऑपोजिशन उतनी ज्यादा होगी और अगर फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी हो जाएगी तो ये इंडक्टर इस कदर अपोज करेगा कि फिर रेजिस्टर को अपोज करने के लिए की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करंट फ्लो ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो भाई डीसी केस में सर्किट का बिल आएगा और हाई फ्रीक्वेंसी एसी में इसका बिल कम होगा और इंफिनिट फ्रीक्वेंसी के लिए प्योर एसी के लिए इसकी इसका जो बिल है वो जीरो हो जाएगा। जबकि कल वाले केस में जो मैंने आरसी और आरसी सीरीज सर्किट पढ़ा था उस वक्त में फ्रीक्वेंसी जीरो हर्ट्ज के ऊपर बिल नहीं था आ रहा, लेकिन इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी के लिए बिल आ रहा था। आज जीरो हर्ट्ज के लिए बिल आ रहा है और फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी के लिए बिल नहीं आ रहा। तो ये हमने बात कर ली किसकी, आर एल सीरीज सर्किट की। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट। भाई जिस तरह से मैं पावर फैक्टर को पिछले टॉपिक के साथ डिस्कस करता आया हूँ उन्होंने पावर इन एसी सर्किट में अब आके पावर फैक्टर डिस्कस किया, हालांकि इससे इन सब चीजों से पहले होना चाहिए क्योंकि इन तमाम क्वेश्चन में हमें इस बात की जरूरत पड़ेगी। भाई टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट, ठीक है जी। तो भाई यहाँ पे क्या बताया गया कि हमारे पास जो पावर का फार्मूला है वो क्या होता है, वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, लेकिन ये सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए है, ठीक है। और जो फार्मूला के साथ आई आर एम एस इंटू आर या पावर है वी आर एम एस स्क्वायर ओवर आर, ये रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है। जब आप बात करते हो किसी कैपेसिटर की तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है एक्सपी। जब आप बात करते हो इंडक्टर के लिए तो यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे आ जाता है एक्सएल। जब आप कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे आ जाता है जेड, ठीक है। लेकिन इनके साथ एक और फैक्टर आता है कॉस थीटा, उस फैक्टर को आप क्या कहते हो, उस फैक्टर को आप पावर फैक्टर कहते हो। उस फैक्टर को क्या कहते हो, आप पावर फैक्टर कहते हो। और थीटा कैसे आता है, थीटा आता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस से, तो उसको आप यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यूज लगाते हो। अगर कॉस थीटा हमारे पास जीरो हो किसी भी फैक्टर के अंदर, कॉस थीटा जीरो हो दैट मींस थीटा जो है 90 डिग्री हो करंट रूट मीन स्क्वायर और वोल्टेज के दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बता दूंगा, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वी आर एम एस एंड आई आर एम एस, वी आर एम एस और आई आर एम एस के दरमियान में बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, वो है थीटा। और इसके अलावा जरी बात है कि अगर हमारे पास जो एंगल है वो कॉस थीटा का वन आएगा, दैट मीन थीटा जीरो डिग्री आएगा, फिर हमारे पास जो है वो पावर फैक्टर भी जो है वो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर भी वन हो जाएगा। तो इस केस के अंदर हमारे पास एवरेज पावर डिसिपेट नहीं होगी और इस केस के अंदर हमारे पास एवरेज पावर डिसिपेटेड वो मैक्सिमम होगी और वो इन टर्म्स के बुलाएगी, या तो इसके या फिर इसके या फिर इसके। वरना अगर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है वीआरएमएस और आईआरएमएस में तो फिर इसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई पावर डिसिपेट नहीं होगी। बच्चों कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो लगता है यहाँ पे वाइंड आउट करना। ओके बच्चों यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही था, खुदा हाफिज़।